الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم محمد المصطفى والمصطفى हमारे 7 जुलाई के जितने खुतबात हैं वो अज़मत-ए-कुरान पे।
इसलिए आज वो दोनों टॉपिक जो है तफसील से मैं वकूफ करूंगा। कोशिश होगी कि वक्त अगर मिला उसमें थोड़ी थोड़ी बात हो जाए, लेकिन आज सबसे पहले हम कुरान की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले तो तर्जुमा समाप्त कीजिए जो आया मुबारक का मैंने तिलावत की। फिर अपने जुल्जलाल ने इरशाद फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, बेशक हमने इस जिक्र को नाजिल किया। कुरान के बहुत से अस्मा है कुरान में जो कुरान ने बयान किए, कभी कुरान ने इसे हकीम कहा, कभी इसे किताब मुबीन कहा, कभी इसे किताब कहा, कभी इसे हिकमत कहा। ये कुरान के नाम है जो कुरान पाक ने खुद बयान किए। उन्हीं अस्मा में से कुरान का एक नाम जिक्र भी है, कुरान का नाम जिक्र भी है। अब रब्बे सुल्तान ने फरमाया कि ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, बेशक हम ही हैं जिन्होंने इस जिक्र को नाजिल किया, और इन्ना और बेशक हम ही हैं लहू लहाफिज़ून, जो इसकी हिफाजत करेंगे। अब सूरह हिज्र की इस आयत मुबारका नंबर 9 में ये बात तो तय हो गई, ये तो फैसला हो गया अल्लाह का कि कुरान नाजिल करने वाला भी वो अल्लाह है और उसकी हिफाजत करने वाला भी मेरा अल्लाह है। क़यामत तक के लिए कुरान के अंदर किसी किस्म की गैर महफूज आमेजिश आ ही नहीं सकती, ना इसका कलिमा तब्दील हो सकता है, ना इसका हर्फ तब्दील हो सकता है, ना इसके एक जुमले को तब्दील किया जा सकता है, ना इसकी सूरतों को तब्दील किया जा सकता है। सूरतें तो खैर बड़ी दूर की बात, एक हर्फ मैंने अर्ज किया, एक हर्फ बदलना भी क़यामत तक के लिए ये अल्लाह को चैलेंज करने के बराबर है, और अल्लाह ताला ज़ाहिर है किसी के चैलेंज को कबूल नहीं करता। सारी दुनिया को अल्लाह के चैलेंज कबूल करने पड़ते, उसके आगे सर झुकाना पड़ता है। यदि हम आजिज़ हैं मौला, तेरा चैलेंज बहुत बड़ा, हम नहीं कुछ कर सकते, ज़ाहिर है हम सारे अदना और वो आला, हम सारे उसके आगे कमजोर और वो कभी ज़ात है, हम सारे ज़ईफ और वो कभी और मजबूत ज़ात है, हम सारे के सारे उसके सामने आजिज और मुनकसिर हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात ही अल्लाह आला कुल शय कदीर ज़ात है। अब ज़ाहिर ये ऐलान उसका है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, ये तकरीबन अक्सर कुरान पाक के सर वर्क पे यह आयत मुबारका लिखी होती है, उसकी जिल्द की जो सर वर्क होता है उस पर यह आयत मुबारका ताहिर होती, ताकि जो शख्स भी कुरान को उठाए तो उठाते हुए सबसे पहले उसकी जो नजर पड़े जिस आयत मुबारका पर वो ये अल्फाज हो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, कि कुरान ऐसा है जिसकी हिफाजत कोई और नहीं, खुद रब्बे ज़ुल्जलाल फरमा रहा है। ये तो तय अलामा कुर्तुबी एक बहुत बड़ी मशहूर तफसीर कुरान की, तफसीर कुर्तुबी अलामा कुर्तुबी की अरबी जुबान में, उस पर मैं भी पढ़ रहा था इसी आयत मुबारका के ज़ेरे तहत, आपने लिखा कि खलीफा अब्बासी था मामून और रशीद, उसके दरबार में यहूदी आया और उसने इस्लाम पर बातचीत करना शुरू कर दी, बहुत बातचीत करता रहा, इस्लाम के बारे में गुफ्तगू करता रहा। तो मामून रशीद ने उसकी बातों को सुनने के बाद यह महसूस किया कि यह शख्स इतना इस्लाम के बारे जानता है यहूदी होकर, तो क्यों ना इसे इस्लाम की तरफ मायल किया जाए, इसे कायल किया जाए और ये किसी तरह मुसलमान हो जाए। तो हारून रशीद ने उसको दावत दी कि आप इस्लाम में आ जाए, आप कलमा पढ़ लें, आप इतने इस्लाम को जानते हैं, आपने इतना इस्लाम को स्टडी किया। उसने इनकार कर दिया, उस यहूदी ने कहा नहीं, मैं तुम्हारी इस दावत को अभी कबूल नहीं करता। ये कह के वो वापस चला गया। एक साल गुजरा, साल के बाद वो फिर दोबारा आया मामून रशीद के दरबार में और वहां बैठा और इस्लाम के उसूल और जरूरी कवायद बयान करने शुरू कर दी। मामून रशीद और ज्यादा मुतासर हुआ कि इसकी बार तो आपने वो मसाइल बयान किए जिनको हम भी नहीं जानते, नसल दर नसल हम मुसलमान हैं, लेकिन आपका इतना मुताला यहूदी होकर। उसने कहा मामून रशीद, अब मैं यहूदी नहीं रहा, मैं मुसलमान हो चुका,
मैं अब मुसलमान हो चुका हूँ। अमर रशीद बड़ा हैरान हुआ, कहा जब हमने आपको दावत दी आपने हमारी दावत को ठुकरा दिया और अब आप मुसलमान बता रहे हैं, आपने बता क्या हुई, किसने आपको दावत इस्लाम दी और आप इस्लाम में दाखिल हो गए। कहा मुझे दावत किसी ने नहीं दी, मैं खुद ही मुसलमान हूं। अब ये और अचंभे की बात थी और हैरान हुई बात थी कि किसी ने दावत भी नहीं दी और ये शख्स खुद ही मुसलमान हो गया, क्या वजह है। कहा कोई वजह बता सकते हो मुसलमान होने की, कि तुम खुद कैसे मुसलमान हो गए। आप मुसलमानों ये बहुत गलत बात है और इंतहाई तवज्जो गलत बात है। वो यहूदी कहने लगा कि मैंने अपने दौर पे तौरात के दो तीन नुस्खे लिखे हाथ से कलम से और उसमें मैंने कुछ वो आयात भी डाल दी जो तौरात की नहीं थी, उसमें मैंने तब्दीली और हेर फेर करके मैंने वो तौरात तैयार की और मैं यहूदियों के माबत में गया अपने यहूदियों के माबत में और वहां के पॉप से मैंने कहा कि ये मैंने तौरात लिखी है, आप इसको देखिए और कबूल कीजिए, अगर आपको कबूल है तो। कहते उन्होंने ली और बड़े आराम से सीने से लगाया और उस तब्दील शुदा तौरात को मुझसे कहते दो नुस्खे मैंने लिखे थे वो दोनों रख लिया अपने माबत से वापस चलाया। इसी तरह कहते कि मैंने इंजील शरीफ के दो नुस्खे हाथ से लिखे और उनमें भी मैंने तब्दीलियां कर दी, आते आगे पीछे कर दी, तब्दील करके ले गया एक चर्च के अंदर। तो वहां पे जो राय था उससे मैंने कहा उनके बॉब से कि जनाब ये मैं आपके लिए बाइबल के दो तोहफे आया हूँ, आप कबूल कर लीजिए। उसने लिया और पकड़ के रख लिया और मेरा शुक्रिया अदा किया, मैं वापस चलाया। कहते उसके बाद मैंने कुरान के दो नुस्खे तैयार किए अपने हाथ से लिखे और मैंने क्या किया कि कुरान की आयात उसी तरह जैसे बाकी दो किताबों में की इसमें भी मैंने आयात आगे पीछे कर दी, तरतीब कुछ आगे पीछे कर दी, आयात कुछ निकाल दी कुछ और ऐड कर दी जो तौरात में थी। मैं ले गया मुसलमानों के मदरसा जहां कुरान की तालीम और तदरीस होती थी, जामिया में ले गया। तो जामिया के जो शेख जामिया थे उनके पास मैं पहुंचा और मैंने कहा कि ये मैं आपको तोहफे के तौर पे हाथ से लिखे हुए कुरान के दो नुस्खे हैं, मैं आपको हदिया करने आया हूं, तोहफा करने आया हूं। उन्होंने कहा पहले नुस्खा दिखाइए। उन्होंने वो नुस्खा लिया, उसका पहला वर्क देखा दूसरा देखा उसको पढ़ना शुरू किया और जहां जहां मैंने गलतियां की थी जान बूझ के जहां मैंने तब्दीलियां की थी उसने कहा यहां आपने ये गलती कर दी यहां आपने ये गलती कर दी। उसको तो कहते नहीं पता था कि मैं दानिश्ता तौर पे और जान बूझ के ये काम करके आया हूं, उसे तो ये पता नहीं था। वो कह रहे थे हाँ यहां आपने ये गलती कर दी यहां आपने ये आयत छोड़ दी यहां आपने ये सूरत की तरतीब ये पहले आनी थी, लगता है आपको इल्म नहीं है आपने ये तरतीब लगा दी। कहते जहां जहां मैंने गलत किया था उन्होंने वो सारी तस्सीह की और फिर दूसरा नुस्खा लिया उसमें भी वो गलतियां निकाली और मुझे कहा ये वापस ले जाइए इसको ठीक करके लाइए, जब दुरुस्त करके वापस लाएंगे तो फिर हम इसे अपनी लाइब्रेरी के अंदर सजा देंगे अपने जामिया में रखेंगे लोग इसकी तिलावत करेंगे ये सारी गलतियां ठीक करके आए। उन्होंने अपने हाथ से वो सारी गलतियां और तरतीब मुझे लगा के दे दी, मैं वापस आ गया। कहते ये जब अमल मैंने देखा मैं रात देर तक इस बात पे गौर करता रहा सोचता रहा। ये यहूदी सोच रहा है मुसलमानों ये लमा फिक्रिया है, यहूदी सारी रात कहता मैं सोचता रहा, अलामा कुर्तुबी लिखते हैं सारी रात मैं इस बात पे गौर करता रहा कि मैं तौरात के नुस्खे पे तरतीब करके उसमें जानबूझ के गलतियां करके ले गया तो वहां पे माबत में उसे कबूल कर लिया गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। बाइबल ले गया तो वहां पे चर्च में पॉप ने उसे लेके कबूल करके मेरा शुक्रिया अदा किया। जब कुरान के नुस्खे को हर रफ पर तब्दील करके मैं शेख उल जामिया के पास गया तो उसने वापस कर दिया और मेरी सारी गलतियां निकाली और कहा जब इस गलतियों को ठीक करके लाओगे तो फिर हम तुम्हारा ये तोहफा कबूल करेंगे। कहते मुझे उस वक्त यकीन हो गया कि ये शख्स ये बात तय है, अपने इरादे को बदल लो, सारी कायनात में निजाम बदल सकता है, बाकी किताबों में तारीफ हो सकती है और इसके मानने वाले तारीफ वाली किताब कबूल करते हैं कर रहे हैं, सारा जमाना बदल सकता है, कभी मुसलमानों का बुरा नहीं बदल सकता। कहते ये जुमला मेरे दिमाग में ऐसा बैठा ऐसा मजबूत हुआ कि मैंने क्या कहा, मैंने रात सोच सोच कर ये फैसला कर लिया कि कोई ताकत है ऐसी, कोई ऐसी नादीदा कुवत है
जो कुरान की खुद हिफाजत कर रही है, जो खुद कुरान की मुहाफिज है, अब मैं इस पर तहकीक करने लगा तो कहते मुझे सूरा ये हज की आय मुबारक जो है मेरे सामने आ गई, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान को नाजिल करने वाले भी हम हैं और इस कुरान के मुहाफिज भी हम हैं। कहते मैंने किसी से नहीं, मैंने कुरान की इस हिफाजत की बुनियाद पर जो मेरी तहकीक के मेरे सामने आई मैं इससे मुतासिर हुआ, किसी ने मुझे दावत इस्लाम नहीं दी। कुरान की इस हिफाजत का मुआवजा देकर मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने पर मजबूर हो गया। समझना तवज्जो तलब बात क्या है, सोचने वाली बात क्या है। मुझे यहूदी का यह वाकया क्यों सुनाना पड़ा, मेरा मौजू को यहूदी की बातें सुनाना नहीं था, मेरा मौजू को यहूदी की यह बात और वाकया बताना आपका मौजू नहीं था। लेकिन जिस मौजू को मैं बयान करना चाहता हूं उससे पहले मैंने तबीदा यह वाकया क्यों बयान किया, यह वाकया इसलिए बयान किया कि गैर मुस्लिम भी कुरान पर इतना गौर व खौज करता है, वो कुरान पर इतनी तवज्जो देता है, वो कुरान पर अपने मतलब के लिए, हमारे लिए चाहे नहीं, चाहे दीन के लिए नहीं, अपनी जात के लिए भी हो, लेकिन वो तवज्जो इतनी करता है इसके एक एक रम्स पर वो गौर करता है। और उस पर गौर करते करते एक यहूदी बगैर किसी की दावत इस्लाम के इस्लाम जैसी नेमत से सरफराज हो जाता है और अल्लाह उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत वाला रास्ता दिखा देता है, कहां यहूदी था कहां मुसलमान हो गया। तो जरा सोचिए अब मुसलमान कहां है, ये तल्ख हकीकत है। मेरे नफ्स शायद आपके ऊपर पहाड़ की तरह गिरेंगे, लेकिन मैं क्या करूं, मिंबर का तकाजा है कि मुझे सच बोलना है, मिंबर का तकाजा यही, मैंने हलफ उठाया इस मिंबर पर। हम मुसलमान कहां करें, यहूदी को इतना कुरान को पढ़े चाहे अपने मतलब के लिए वो पढ़े, उस पर गौर खोज करे, यहूदी की जुबान नहीं है लेकिन वो इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन पढ़े, ईसाई की जुबान नहीं है अरबी लेकिन फिर भी वो ट्रांसलेशन इंग्लिश में करवा के कुरान को पढ़े। और मुसलमान जब पैदा होता है तो पैदा होने के साथ सबसे पहले जो पहली आवाज और पहली जुबान उसके काम में आती है वो तो उसकी आखिरी जुबान अरबी है। हम चाहे अजमी है लेकिन हम सारा दिन अरबी से हमारा वास्ता रहता है, पूरी नमाज के जुबान में अरबी में, हमारी अजान के जुबान में है अरबी में, बच्चा पैदा हुआ कान में सदा लगाई, एक में अजान दी और एक में तकबीर कही तो अरबी है। हमने बड़े हुए जुबान खोली तो सबसे पहले कलमा शरीफ जुबान में जारी हुआ अल्लाह का नाम लिया अरबी है। और हमारा सारे का सारा दीन जिस किताब ने हमें दिया है वो किस जुबान में है, अरबी में। लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम कुरान पर वो तवज्जो न करे जिस मकसद के लिए कुरान नाज़िल हुआ। आज सुबह के दस में सूरत शम्स की हमारी पहली दुआ आया थी, तफ़सीर दरसे कुरान में थी, तो वहां मैंने ये बात अर्ज की आज जो आपको आप यहां से उस पे रिकॉर्ड में होगी वहां से आप सुन भी सकते हैं कि रब्बुल जलाल का यह कलाम जब आप और मैं ये दावा करते हैं, आप और मेरा ये दावा है और हर मुसलमान का दावा है और ये दावा जनाबे रिसालत बाप सल्लम का है, ये दावा जनाबे खुलफाए राशिदीन का है, ये दावा तमाम सहाबा इकराम वाले बैत अथार ताबीन तबाबीन अहले मुज्तहिद मुहदिसीन तमाम मुफस्सरीन का है, ये कुरान वो किताब है जो दुनिया की सबसे बड़ी बाकमाल किताब है। क्या यह दावा सच है, जो मैंने किया दावा सच है? जब यह दावा सच है तो फिर हम इससे सिर्फ महज
उस सवाब की नियत से, या फौत हो गया तो कुरान खाने की नियत से, मैं इसके खिलाफ नहीं, खुद भी करता हूं करवाता हूं, मैं हज कर रहा हूं, सिर्फ बीमार पर दम करने के लिए तो कुरान नहीं आया, इसके लिए तो कुरान का मकसद नज़ूल ये नहीं है। कुरान का अवलीन मकसद नज़ूल क्या है, कभी और किया? कुरान को नाजिल करने का मकसद क्या है? कुरान को नाजिल करने का एक ही मकसद है, हुदल लिल मुत्तकीन, किताब हिदायत के लिए, इसके लिए आई, हिदायत के लिए आई। इन हाज़ा कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, ये हिदायत के लिए आया कुरान। ये कुरान किस लिए आया? ला रज़ वला याज़ इल्ला फी किताबे मुबीन का नारा लेके आया। ये कुरान किस लिए आया? युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा का ऐलान लेके आया। ये कुरान किस लिए आया? ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये दावा लेके आया। लेकिन मुसलमान, हर एक मुसलमान अपने आप से सवाल करे, क्या हम कुरान के उस मकसद नज़ूल को समझे हैं कि नहीं? जब मैं माशरे की हालत देखता हूं, जब अपनी सोसाइटी को देखता हूं, तो बहुत मायूस कौन हालत है वो मेरे सामने आती है, बहुत मायूस कौन है, बहुत तकलीफ दे है। हम कुरान पाक को उस एहतमाम से बिल्कुल नहीं पढ़ रहे जिस इंतमाम के साथ कुरान को पढ़ने के लिए उतारा गया है। आप तो अजबी लोग हैं जी, आप में से यहां कोई ऐसा शख्स बैठा है जिसने पूरा दस इंतजाम पढ़ा हो? ये कैसा शख्स बैठा है? मेरा नहीं क्लास तो बैठा हो नहीं है, कोई नहीं। एक वो शख्स मुझे सुन, मैं भी अपने आप को ताले में सुन, 9 साल मेरी उम्र थी, मैं घर से निकला इस कुरान को सीखने के लिए। अभी उम्र के हिस्से में पहुंच गया, अभी तक मैं समझता हूं कि सुबह फातिहा की भी पूरी तफसील अभी मैं नहीं समझ सकता। खुद मैंने अरबी जुबान इसलिए मुंतखब की, मेरी डॉक्टरेट अरबी जुबान में, पंजाबी में, मेरी तो जुबान है, लेकिन उसके बावजूद एक एक लफ्ज पे जब बैठते हैं कितने कितने घंटे गुजर जाते हैं कुरान के मतमी एक लफ्ज के नहीं खत्म। जाहिर है आप तो बकायदा मदरसों से पढ़े भी नहीं, आप में से कोई शायद यहाँ कोई एम फिल या बी एड या बी बता भी कोई बैठा होगा शायद, अगर कोई है तो बता दे, कोई नहीं बैठा होगा। तो फिर हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये मैंने अभी तफसीर में पढ़ा कि उन्होंने जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल में सिर्फ सूरह बकरा पढ़ी थी। पढ़ाने वाले कौन थे? उस जैसा टीचर है दुनिया में कोई? उन जैसा मुअल्लिम कायनात में कोई है? जिसको मुअल्लिम किसने बनाया? अल्लाह ने फरमाया इन्नमा वहिस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह फरमाता है हमने इसको मुअल्लिम बना के भेजा है और दुनिया का सबसे बड़ा मुअल्लिम है। तमाम नबियों के भी उस्ताद, इमाम जो होता है वो मुअल्लिम ही होता है ना जी। तो शबे असरा में क्या था? इमामत किसने करवाई थी? आदम अलैहि सलाम ने करवाई ना। तो जो सारे नबियों के इमाम ठहरे, जो सारे नबियों के उस्ताद ठहरे ना जी, तो सबसे आलम होता है इमामत का हक किसको है? हदीस में है, कुतुब फिका में है, जो पहली शर्त है ना इमामत की, फरमाया जो तुम में से सबसे ज्यादा साहिब इल्म है वो इमामत का, ये पहली शर्त है, बाकी शरायत बाद की। पहली शर्त ये है कि आलमुकुम, तुम में से जो सबसे ज्यादा साहिब इल्म है, फावा यस्तहिकु बिल इमामा, वो इमामत का हकदार है। तो नबियों की इमामत अगर आका ने करवाई है तो ये बात तय हो गई कि सबसे ज्यादा जो इल्म है वो किसके पास था? जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था, उन जैसा उस्ताद कोई नहीं। और फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु इनके बारे में खुद इसी अजीम मुअल्लिम ने इंसानियत में फरमाया था, अल हक यंतिक वला लिसान उमर, उमर की जुबान पे हक बोलता,
अब वो बढ़ने वाला शागिर्द है, पढ़ाने वाला ना शागिर्द जैसा कोई ना मुअल्लिम जैसा कोई, लेकिन एक सूरह बकरा पढ़ने में कितने साल लगे जी? 15 साल। आप बताइए आपने कितने कितने साल लगाए हुआ? ये सवाल का हक है कि नहीं जी? कितने लोग हैं जिन्होंने साल लगाए कुरान को सीखने में? हम सारी जिंदगी भी जमा करें तो शायद जो साल ही नहीं बनेगा क्या बने, कुछ भी नहीं। हमारी पूरी हम भरी महफिल में कितने लोग हैं जिन्हें कुरान का तर्जमा याद है? कितने लोग हैं जिन्हें आयात आकाम जो 500 आयात हैं उन्हें वो याद है? कितने वो लोग हैं जिन्हें आयात मनसूखा याद है? कितने वो लोग हैं जिन्हें आयात नासखा याद है? कितने वो लोग हैं जिन्हें आयात इबादात याद है? कितने वो लोग हैं जिन्हें उसूल तफ़सीर याद है? जिन्हें सियासत मदनिया का पता है? कुछ भी नहीं। तो फिर आप बताइए कुरान किस लिए आया था? कुरान किस मकसद के लिए नाजिल हुआ था? भाई हम अपने आप से भी तो सवाल करें ना, हम अपने बारे में तो सोचे ना, हम कहां खड़े हैं? तो जो बार बार गुस्ताखियां होती है ना जी, अल्लाह खातम बदन, इसके भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम हैं, इसके भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद हैं। इसलिए अलामा इकबाल ने क्या कहा, वो जमाने में मुअज्जज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारके कुरान होकर। तारे कमाना था छोड़ने वाला, तारे कमाना क्या था छोड़ने वाला, खार के कुरान जो कुरान को छोड़ गए। हमसे पहले अलामा का जमाना बहुत अच्छा जमाना था, जिस जमाने में इकबाल थे ना जी, वो जमाना बड़ा अच्छा जमाना था, बड़े लेख लोग थे उस वक्त, अब तो फितने बहुत आ गए, वो जमाना हमसे बहुत अच्छा था। लेकिन इकबाल उस जमाने को कह रहा है कि मुसलमानों पहले मुसलमान इसलिए अजीम थे, वो जमाने में इसलिए मुअज्जज़ थे कि वो मुसलमान थे, वो मुसलमान थे, और आज तुम इसलिए मुसलमानों खार हो रहे हो कि तुमने कुरान को छोड़ दिया है। आज तो खाता ही साफ, आज तो बिल्कुल मामला ही अलग है। कितने वो लोग हैं जो इस इहतमाम के साथ वक्त निकालते हैं कि मैंने हर रोज कुरान को सीखना है और याद करना है, कुरान मुझे कहता क्या है, कुरान के मज़ामीन क्या है। अब वो हमें देखता है, हमारे मजाजों को देखता है, जाहिर है दुश्मन का काम दुश्मनी करना होता है। आप क्या दुश्मन दुश्मनी क्यों कर रहा है? तो ये बड़ा जायजाना सवाल है, भाई दुश्मन है तो दुश्मन दुश्मनी करेगा? कभी दुश्मनों से भी खैर की नींद होती है? भाई दुश्मन तो दुश्मनी करेगा, ईसाई हमारा दुश्मन, यहूदी हमारा दुश्मन, हिंदू हमारा दुश्मन, सिख हमारा दुश्मन, ये अगर हमारे दोस्त होते या हमारे खैर का होते तो कलमा शरीफ पढ़ लेते। मुझे याद है बैठकर कॉलेज में हमारी उस्ताद गिरामी प्रोफेसर डॉक्टर सिद्ध कमर अली जैदी साहब, उस वक्त वो औकाफ के डायरेक्टर जनरल भी थे और पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थे और मसरत अजमेरी के चेयरमैन भी थे। वहां उनके पास एक सिख आता था, शायर था, बहुत अच्छा शायर था और शायरी करता था और हजूर की नाते लिखता सिख था। मैं इंतमाम के ऑफिस में बैठा तो बातचीत हो रही, उसने कहा मोहम्मद साहब बहुत अच्छे हैं, आपके जो नबी हैं मोहम्मद साहब बहुत अच्छे हैं, उनके बड़ी नाते लिखता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा तुम झूठ बोलते हो, तुम मुनाफ़त करते हो। अगर जी आपने मुझे ये क्या कह दिया? उन्होंने कहा अगर तुम ये कहते हो तो वो बहुत अच्छे हैं, तो जो उन्होंने अच्छा कलमा दिया वो पढ़ लो ना, मुसलमान हो जाओ। देखा, ये हमें हमारे साथियों ने ये बात सिखाई है, समझाया है। असल में वो ये जो कुछ भी करते हैं ये उनकी वारदात का हिस्सा है, ये उनकी मुनाफ़त का हिस्सा है जिससे हम बेखबर बैठे हुए आज तक। अब वो क्या करता है, कभी हमारे नबी के खाके बनाता है मुसलमान, कभी वो कोई तोहीन कर देता है, कभी वो कोई तोहीन कर देता है,
कभी वो कुरान को नजरे आतिश कर देता है, कभी वो कोई गुस्ताखी कर लेता है। सवाल ये है, हम उसके मुकाबले में हम क्या है, हमने क्या करना, हम उसके जवाब में क्या करें कि अपने मन की इमलाक करना शुरू कर दें। वो तो और खुश होगा, अच्छा हुआ एक एक बाकी गुस्ताखी की मैंने, दूसरा इनका मुल्क ये क्या तोड़वा दिया, ये तो और बुरी काम हो, ये तो और गलत काम हो, अपने ही मुल्क के रास्ते बंद कर दें, वो तो और खुश होगा। देखा आपस में लड़ रहे हैं भाई, जो प्रोटेस्ट पे थे वो भी अपने मुसलमान थे, जो मारने वाले थे वो भी अपने मुसलमान थे, भाई एक मेरा सिपाही है वो भी मेरा मेरी मिलत का नौजवान है ना, जो कर रहे थे यार वो भी मेरी मिलत का नौजवान है, वो भी करवा को है, वो भी करवा को है, लेकिन आपस में जब सर खोल दिए, दस्तर गिरेबान हो गए, लड़ाई झगड़ा हो गया, वो कह रहे रास्ते खोलते, वो नहीं खोलते, अब एक मामला दीन का मामला है, लामहाला के अक्षर हुआ, तो नुकसान तो फिर भी मेरा घर का हो गया, कुरान भी हमारा था और जिसको लगी वो भी मेरा था, जो मारने वाला था वो भी मेरा था, हमारा था, वो तो और खुश हुआ, उसने कहा आइंदा और ज्यादा काम करो, और आपस में लड़े मरे, और यही उसकी ख्वाहिश है कि मुसलमानों को आपस में ऐसा कर दो कि ये हमारी तरफ आ ही ना सके, इनको ऐसा तकसीम कर दो कि इनकी जो ताकत है मर्कजियत है वो खत्म हो जाए और ये आपस में लड़ते रहे। उसकी जो मैंने बुनियादी वजह बताई वो एक है, मुसलमानों जब तक उस पे अमल नहीं करोगे ये सिलसिले नहीं रुक पाएंगे। वो क्या है, हम में से कुरान के साथ हम में से हर एक को इतना इश्क हो जाए, हम कुरान पे इतने तवज्जो करने वाले और कुरान इतना पढ़ने वाले, गौर व खोज करने वाले इतने बन जाए कि हम में से हर एक मुसलमान चलता फिरता कुरान बन जाए। चलता फिरता कुरान क्या है, उसका चलना कुरान के मुताबिक, उसका उठना कुरान के मुताबिक, उसका बोलना कुरान के मुताबिक, उसका कारोबार करना कुरान के मुताबिक, उसकी मुलाजमत करना कुरान के मुताबिक, उसका माशरे में रहना कुरान के मुताबिक, उसका हर हर अमल कुरान के मुताबिक हो जाए, वो कभी कुरान की गुस्ताखी नहीं करेगा। वो कहेगा किस किस कुरान की गुस्ताखी करूंगा, यहां तो एक अरब जो है वो चलता फिरता कुरान बन गया। ये असल जरूरत है, लेकिन जब आप कुरान को सिर्फ खोलें, सुबह एक वक्त थोड़ा सा खोला और चंद एक रघु आयतें पढ़ ली और उसके बाद बंद करके कहा शुक्र है सवाब मिल गया, चंद अल्फाज पढ़ लिए, जो कुरान कहता था वो समझ ही ना पाए, तो बताइए फिर कुरान हम कैसे बने, नहीं बन पाए। आज इस जो मैं एक अमली एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा हूं, जो उन्होंने एक गलीज हरकत की, जो उन्होंने इंतहाई नापाक हरकत की सविलर ने, जाहिर रियासती सतह पे वो हुआ है तो रियासत की जिम्मेदारी है कि वो रियासती सतह पर इसका एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, ये रियासत की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी तो बहुत बात की है, सबसे पहली जिम्मेदारी ये रियासत की है, वो रियासत इसका एहतजाज रिकॉर्ड करवाए सेनेट में, पार्लियामेंट में और जितने भी सूबों के अंदर हेडक्वार्टर्स है रियासत के, असेंबलियां हैं, वहां पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए ताकि एक पैगाम पहुंचे कि रियासती सतह पे हुआ उसका जवाब रियासती सतह पर आया। पहला उनका फरीजा है, वो ये काम करें, और इसके बाद अवाम का क्या काम है, अवाम का ये काम है कि अपने अंदर एक ऐसी तब्दीली आज से पैदा करें कि हमने अब कुरान में होता घर होना है, हमने कुरान सीखना है, हमने कुरान सीखना है, हमने कुरान को अपने ऊपर लागू करना है और हमने अमली तौर पे बताना है कि लोगों ऐ सबीलर वालों, ऐ यहूदियों ईसाइयों, ऐ कुरान की गुस्ताखियां करने वालों, तुम एक कुरान की उस जंग की ये गुस्ताखी करोगे और तुम चाहते हो कुरान में तारीफ और तब्दीली हो जाए, तुम किस किस के साथ क्या करोगे, हम तो यहां 22 करोड़ अगर पाकिस्तान में है तो हम सारे के सारे चलते फिरते कुरान। ये अकीदा पैदा कीजिए, ये सोच पैदा कीजिए और आज से यहां मस्जिद से ये अहद करके जाइए, मैं आज खड़े नहीं करवाता, आप अपने रब को गवाह बनाए, आप रब के घर में बैठे हैं इस जगह को गवाह बनाए और अपने साथ अहद करें कि आज के बाद वो
मुझे चाहे एक आयत भी सीखना पड़ी तो हर रोज मैं कुरान की एक आयत सीखूंगा। दरूस कुरान जहां जहां हूं उसमें शिरकत की दी है। और आप पहले इरादा तो आपको गिना ही नहीं कर सकते कि हमें सीखने का मौका नहीं मिला। मैं 2013 से अल्हम्दुलिल्लाह यहां बाकायदा हर रोज सिवाय इतवार की छुट्टी के डिक्लेयर है दरूस कुरान दे रहा हूं। आप सारे जानते हैं लाइव चलता है हर रोज फजर के बाद। आप तो बहाना भी नहीं कर सकते हमें सीखने का मौका नहीं मिला कि हम अब बड़े हो गए अब हम किस मदरसे में जाएं। आप आए यहां पे अल्हम्दुलिल्लाह का सफर हमारा 2013 में शुरू हुआ 2023 आ गया है और हम आखिरी पारे में पहुंचे हुए हैं सूरह शम्स में इस आखिर से हम आगे पहुंच चुके हैं। और लोग बाकायदा रेगुलर जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं। आपके पास तो ये बहाना भी नहीं है आप तो ये बहाना भी नहीं कर सकते कि हमें सीखने का मौका नहीं मिला। तो भाई आ जाइए आप सीख लीजिए कोई फीस नहीं कोई तकाजा नहीं कोई और कुछ नहीं बस आपने आना है नमाज पढ़ना है और आके बैठ जाना है। एसी चल रहा है ठंडा माहौल है खूबसूरत जगह है पाकीजा जगह है एहतराम के साथ अदब के साथ रिलैक्स होकर बैठे और कुरान सीखे। लेकिन याद रखिएगा अगर हमने ये अमल ना किया तो ये सिलसिले फिर खाकों बदान मेरे मुंह में खाक ये सिलसिले फिर नहीं रुक पाएंगे। इसलिए कि वो हमें देख चुका है कि ये मुसलमान कुरान से कितना मुखलिस है वो हमें देख चुका है उसने मुलाहिजा कर लिया है। यार अंग्रेजी हमारी जुबान है मादरी नहीं जुबान है ना हमारी मादरी जुबान तो नहीं है। हमारी मादरी जुबान क्या है पंजाबी है सबकी लाहौर में रहने वाले भी पंजाबी बोलते हैं कौमी जुबान हमारी उर्दू है। चले कोई पढ़ाई अगर हो जाए मॉडर्न तो उर्दू जुबान कह रहे हैं उसकी मादरी जुबान है वगरना 90% की क्या जुबान है मादरी पंजाबी है ना जी। और यार पंजाबी बोलने वाला पंजाबी सुनने वाला घर में पंजाबी बोलने वाला फर फर अंग्रेजी बोल सकता है फर फर अंग्रेजी की बड़ी बड़ी किताबें याद कर लेता है और उसकी ट्रांसलेशन याद कर लेता है तो एक कुरान की ट्रांसलेशन क्यों नहीं याद होती। और करें ना जी यहां मैं किसी एक बच्चे को कहूं यहां ये सामने ये छोटा सा बच्चा बैठा कर इसको भी मैं खड़ा होकर कहूं जी मैं इंग्लिश बोल रही इसका तर्जमा कर लेगा कर लेगा ना ऐसे में वो मेरे साथ मेरे इंग्लिश में बात कर रही है वैसा इंग्लिश में बात कर लेगा और मैं कहूं जनाब मेरे साथ अरबी में बात करूं चुप तो ये ज्यादा है कि नहीं ये जुल्म है कि नहीं है। इसलिए आज मेरा असमत कुरान के खुतबे के मौजू पर जो मेरी दर्दाना पुरदर्द अपील है आप सबसे गुजारिश है आज अल्लाह से अहद कीजिए कुरान से अहद कीजिए वाले का था ना दरसे कुरान अगर हमने न बुलाया होता ये जमाना न जमाने ने हमको दिखलाया। आज जो जमाना हम देख चुके हैं ना इस जमाने की वजह ये है कि हमने कुरान का दर्स छोड़ दिया है हमने कुरान का दर्स छोड़ दिया है। अगर कुरान का दर्स ना छोड़ा होता आज हम इतने न कटे होते आज हम इतने पसपा न होते आज हम इतने रुस्वा न होते। और हदीस आखिरी सुन लीजिए हदीस पर तो यकीन रखना चाहिए आपके मेरे रसूल पर फरमा और ये हदीस जबानी याद कर लीजिए अरबी नहीं तो उर्दू में याद कर लीजिए और सही हदीस है सही मुस्लिम की हदीस पाक है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह यरफाउ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यदाउ बिही आखरीन मुत्तफ़क़ुन अलैह। मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस का मतलब होता है ये वो हदीस है जिस पर किसी ने इख्तलाफ नहीं किया पूरी उम्मत में हर उम्मत के हर मुफस्सिर ने मुहद्दिस ने कहा है ये हदीस ठीक है उसे कहते हैं मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस बुखारी और मुस्लिम की शर्त पे भी पूरी उतर रही है ये मुत्तफ़क़ा हदीस है इसका तर्जमा क्या तर्जमा सुनिए और इसको याद कर लीजिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुभान रिसालत माब से निकला इन्नल्लाहा बेशक अल्लाह ताला यरफ़ाउ बिहाज़ल किताब अल्लाह इस कुरान के जरिए अक़वामन कौमों को बुलंद फरमा देगा। अल्लाह ताला इस कुरान के जरिए जो उसको थामेगा उस कौम को अल्लाह बुलंद फरमा देगा वह यादा और
आखरीन, और जो कुरान को नहीं थामेगा अल्लाह उस कौम को जलील कर देगा। ये मैं नहीं कह रहा, आप कह दिया मौलवी इसके अलावा सुने ना, सुने आप हमारी बात, नबी की तो सुने ना भाई, रसूलुल्लाह की तो सुने ना, सलामा पढ़े। ये उनका फरमान है, जो कौम कुरान को थामेगी अल्लाह उसे बुलंद कर देगा, और जो कुरान को कौम छोड़ देगी अल्लाह उसे रुसवा कर देगा और उसे सवाल पजीर कर देगा। आप बताइए हम पाकिस्तानी कौम तरक्की याफ्ता है या सवाल याफ्ता है? ये आपने खुद फैसला करा। हाँ जी, कहने से तो कोई नहीं होगा, जी प्रैक्टिकल सामने देखा जाता है, आपकी और मेरी जो हालत है सबके सामने ऐसा ही है ना जी, तो सोचना होगा सवाल क्यों आया। रसूल के मिस्ताक को समझिए और कुरान की अजमत को समझिए, और जो स्वीडन में रियासती सतह पर ये इसे मैं दहशतगर्दी कह रहा हूं, ये दहशतगर्दी हुई हमारे अकायद से, हमारे दिल से, हमारे जज्बात से खेला गया है मुसलमानों के, पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात से खेला गया, और कुरान की नौजिला पे हुर्मती की गई। हम तो वो हैं कि हम मिंबर से ही आवाज लगाते हैं, हमारा हर खतीब ही आवाज लगाता है कि खबरदार किसी चर्च को नुकसान पहुंचाया, खबरदार किसी माबत को नुकसान पहुंचाया। हम तो तौरात शरीफ का नाम भी शरीफ भर के लेते हैं, हम तो इंजील पाक का नाम भी इंजील पाक लेके करते हैं, हम तो जबूर का नाम भी जबूर शरीफ लेके करते हैं। इन बदबख्तों यहूदी नसारा को ये समझना चाहिए, तो ना अपने मजहब को समझो और अखलाकियात भी तो कुछ होती है। हम तो किताबों का, नबियों का, रसूलों का, बनी इसराइल के तमाम रसूलों का, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों को और किताबों को अपने सर का ताज समझते हैं, और तुम बदबख्तो तुम्हें तो इंसानियत भी नहीं आती कि तुम हमारे पाक नबी पे नाजिल होने वाली पाक किताब की तुम बेहुर्मती कर दे। हमारा दिल बहुत भूखा, हमारे जज्बात मजबूर हुए, हम उस रोज से बड़ी तकलीफ में हैं, और हमारा खुशी का दिन था उसे गम में बदला गया जानबूझकर, और हमारे जज्बात को मजबूर किया गया। हम इस वाकया की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, और रियासत पाकिस्तान से हम गुजारिश करते हैं कि इसका जवाब भी रियासती सतह पर मजबूत अंदाज में हमको दिया जाए, ताकि आइंदा किसी को जरूरत ना हो कि वो हमारी मुकद्दस किताब कुरान पाक के साथ ऐसा कर सके कि मोहम्मद से वफा तू ने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहू कलम तेरे हैं।